माननीय विधायकगण, देश के ऊपर भारी संकट आया है कोरोना का, लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई है, चारों तरफ इस चीज को देकर के सब तबाह है घर में। ऐसे समय में आपका फर्ज होता है आप जितना भी कोशिश हो सके अपने यहाँ भी अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाके इस चीज को उनकी सेवा करिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार सिंह। इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। करीब 3 साल बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव की एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीरें आप बिहार तक की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। दरअसल आज आरजेडी ने अपने पार्टी विधायकों समेत बीते चुनाव में हारे हुए भी तमाम प्रत्याशियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की थी। दोपहर करीब 2:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। पहले से ही बिहार तक ने आपको ये जानकारी दी हुई थी कि रविवार की इस बैठक में खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल रहेंगे और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आज की इस बैठक में लालू यादव पहली बार बीते 3 सालों में कैमरे पर नजर आए अपने पार्टी विधायकों और बाकी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए। हालांकि आज अहले सुबह तकरीबन 3-4 बजे के करीब लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उनका ऑक्सीजन लेवल 85 तक आ गया और लंग्स में पानी भरने की शिकायत आई, जिसके बाद ये अंदेशा था कि आज की वर्चुअल बैठक में लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम पहले से तय था सभी विधायकों और पार्टी नेताओं को ये जानकारी दी गई थी, जिनमें से कई सारे नेताओं की ये लालू यादव से पहली मुलाकात होनी थी। ये देखते हुए लालू प्रसाद यादव करीब 2 मिनट के लिए इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। उनके साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी इस बैठक में मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 3 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते रहे। सबको इंतजार था लालू प्रसाद यादव का और बैठक खत्म होने से कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर आए, पार्टी नेताओं को बधाई दी, जो विधायक बीते चुनाव में जीते उन्हें बधाई दी और हारे हुए प्रत्याशियों को भी उनके काम के लिए सराहा। दरअसल आज की ये बैठक कोरोना काल के दौरान आरजेडी की राहत कार्य को लेकर थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि हर हाल में अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज, उनके परिजन या फिर लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की यथासंभव हर मदद पहुंचाई जाए। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने बीते चुनाव को लेकर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत नासाज नहीं थी इसलिए वो लंबे समय तक बात नहीं कर पाए और करीब 2 मिनट की एक छोटी सी बैठक उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ की, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर मदद करने का निर्देश दिया है। माननीय विधायकगण, देश के ऊपर भारी संकट आया है कोरोना का, लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई है, चारों तरफ इस चीज को देकर के सब तबाह है घर में। ऐसे समय में आपका फर्ज होता है आप जितना भी कोशिश हो सके अपने यहाँ भी अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाके इस चीज को उनकी सेवा करिए और सेवा से ही और जागरूकता उनके बीच में रहे, इस काम को पूरा करना है। यही हम तो बीमार हैं और हमारी स्थिति में नहीं जा रहे हैं कहीं भी, यही डॉक्टर छुट्टी देंगे बीमार से मुक्त होंगे, जरूर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। सबको नमस्कार। तेजस्वी यादव ने भी करीब 3 घंटे की इस बैठक में अपने पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ इस बात पर चर्चा की कि जिस तरीके से बिहार सरकार कोरोना मरीजों और कोरोना संक्रमितों तक उचित सहायता पहुंचाने में नाकाम दिख रही है, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आरजेडी किस तरीके से लोगों के बीच मदद लेकर पहुंच सकती है, इस पर तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं के साथ बैठक की। ऐसी ही बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।